अशी अनेक कुटुंब आहेत ज्यांच्यासाठी दीपावली हा सण साजरा करणं कठीण होतं। अशा कुटुंबांबद्दलची कल्पना भाजपा युवा मोर्चाचे पदाधिकारी कुणाल गुप्ता यांच्या मनात आली आणि कुणाल गुप्ता यांनी कल्पना सर्वांसमोर मांडली आणि सर्वांनी या कल्पनेचं कौतुक केलं। या अभियानाला मोहीम म्हणून राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला। यंदा तिसऱ्या आनंदाची दिवाळी निमित्त वसईतील स्टेला येथील दोस्ती बस्ती श्रीप्रस्थ जकात नाका हनुमान नगर दिवान मान स्मशानभूमीच्या मागे राहणारे आदिवासी आणि तालुक्यातील विविध झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मिठाई सोबत विविध खाद्यपदार्थासह महिला आणि लहान मुलांसाठी कपडे वितरण करून यंदाची तिसरी आनंदाची दिवाळी सुमारे 2300 कुटुंबांसोबत साजरी केली। कुणालनं हा मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांचं आणि सामाजिक संस्थांचं तसंच मोहिमेसाठी मेहनत घेतणाऱ्या अक्षय ठाकूर अमित शुक्ला प्रेनिलगडा अभिषेक सोनी आणि टीम यांनी आनंदाची दिवाळीच्या सर्व पदाधिकाऱ्या आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानले। महाराष्ट्र TV24 साठी ब्युरो रिपोर्ट वसई। कहते हैं हाथ की बुनाई हुए वस्तुओं का कोई तोड़ नहीं होता। जी हाँ, चाहे फिर घर की सजावट की वस्तुएं हो या फिर कोई पहनावा, यदि आपको देश के हर कोने की वस्तुएं या कपड़े खरीदने की चाह रखते हैं, तो नागपुर में आया है हैंडलूम एक्सपो। कम दाम में बेहतर क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, साथ ही कुर्ता दुपट्टे सूट फैशन ज्वेलरी घर सजावट की वस्तुएं या बिहार का सिल्क कोसा खादी लखनऊ का चिकन वर्क गुजरात की बांधनी मध्य प्रदेश की माहेश्वरी सिल्क राजस्थान और कर्नाटक की सिल्क साड़ी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साड़ियाँ समेत सभी राज्यों की प्रसिद्ध साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान अब नागपुर में आया है। जी हाँ, हमारा पता बिशप कॉटन मैदान VCS स्टेडियम के पास सदर नागपुर। 15 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक ले सकते हैं इस एग्जीबिशन का लाभ, तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाइए इस एग्जीबिशन में।